सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मेरठ में मंच से विपक्ष पर निशाना साधा। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सत्ता पक्ष और दूसरे विरोधी दलों पर निशाना साधा। लेकिन पिछली सरकारों के समय में जिस प्रकार की विसंगतियां पैदा हुई थी, यहां पर आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ था, बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ था, दंगों की एक श्रृंखला के माध्यम से यहां के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास हुआ था। लेकिन अब आज जब प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में आई, प्रदेश में दंगे बंद हुए, जिस कावड़ यात्रा को रोक दिया गया था वह कावड़ यात्रा फिर से प्रारंभ हो चुकी है। और यही नहीं, अब यहां पर सुरक्षा, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं बन सकता, क्योंकि दंगाइयों को भी और सुरक्षा के लिए भी खतरा बने हुए तत्वों को मालूम है कि अगर वे सुरक्षा के लिए खतरा बनेंगे तो उन्हीं के लिए वह खतरा वापस रिटर्न होता हुआ दिखाई देगा। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता ने आके कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान बनते हैं तो शमशान घाट भी बनने चाहिए। दोस्तों, पुरानी सरकारों ने उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान बनवाए, योगी जी ने पिछले 5 साल में केवल और केवल शमशान घाट बनवाए। आज मैं आपके बीच में आया हूं, एक मौका दे दो, आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाऊंगा और आपके परिवार के लिए अस्पताल बनवाऊंगा। मेरे को स्कूल बनवाने आते हैं, मेरे को अस्पताल बनवाने आते हैं, दिल्ली में बनवा के आया हूं, उत्तर प्रदेश में भी बनवाऊंगा। इनको नहीं बनवाने आते, 75 साल में इन्होंने नहीं बनवाए, ये केवल कब्रिस्तान और शमशान घाटी बना सकते हैं, वो बहुत बनवा दिया इन्होंने। अब बस, अब देश को स्कूल और अस्पताल चाहिए।